हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल सुपर सोनिक। कैसे हैं आप सभी? आई होप सो आप बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। सुपर सोनिक चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। अगर आप लोगों को भाई ऑफ रोडिंग करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है तो थार तो आपके लिए बनी है, बट आप लोगों के लिए चाहिए एकदम एक्सट्रीम लेवल का ऑफ रोडिंग करना, तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं लैंड रोवर की तरफ से आने वाली डिफेंडर ही एक आप लोगों के लिए समाधान बचती है। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इस गाड़ी के कुछ क्रैशेज जो कि वर्ल्ड के अंदर हुए हैं और कुछ क्रैशेज जो कि इंडिया के अंदर भी हुए हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए पार्ट वन बना रखा है, तो अगर आपको वो देखना है तो भाई लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के चेकआउट कर सकते हो। और बात करते हैं आज की वीडियो में कि भाई आप लोगों को कितने ज्यादा सेफर कार मिलती है। ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज तो बहुत अच्छी मिलती है, बट कितनी ज्यादा सेफर ये गाड़ी रहने वाली है। अब डिफेंडर जो है भाई वो एक ड्रीम कार है। अगर आप में से किसी को बहुत ज्यादा ऑफ रोडिंग करने का शौक है तो आप डेफिनेटली इस गाड़ी की तरफ जा सकते हो। गाड़ी के अंदर भाई आपको तीन वेरियंट मिलते हैं अलग अलग, डिफेंडर 90, डिफेंडर 110, डिफेंडर 130, और मोस्टली ऑफ द टाइम डिफेंडर 110 को ही जो है वो ज्यादातर लोग पसंद करते हैं। स्पेशली अगर मैं इंडिया के बारे में बात करूं, पावर फिगर्स के बारे में बात करूं तो 96 bhp से लेकर के 626 bhp का मैक्सिमम पावर, टॉर्क के बारे में बात करूं तो 625 Nm से लेकर 750 Nm तक का इसमें पावर आपको मिल जाता है अलग अलग वेरिएंट्स में। और प्राइसिंग जो स्टार्ट होती है 97 लाख एक्स शोरूम से लेकर 2.85 करोड़ रुपीज तक इस गाड़ी की कॉस्ट चली जाती है। खैर ये सारी चीजें छोड़ते हैं, बात करते हैं अपने नंबर वन क्रैश के बारे में। नंबर वन क्रैश कंबोडिया में ये पूरा का पूरा एक्सीडेंट होता है 6 अक्टूबर 2023 में। आइट विटनेस जितने भी लोग रहते हैं वो ये बताते हैं कि एक लेडी जो कि अपनी लग्जरी एसयूवी को लेकर के भाई काफी ज्यादा रात के टाइम में बहुत ही ज्यादा रेकलेस ड्राइविंग कर रही होती है, और लगभग 12:30 बजे के आसपास में पूरा का पूरा एक्सीडेंट होता है जब वो अपनी गाड़ी को हाई स्पीड में चला रही होती है और कार जो है वो अनकंट्रोल होकर के सबसे पहले जाकर के एक ट्रक से टकराता है और उसके बाद अनकंट्रोल होकर के जाकर के कुछ और व्हीकल से जाकर हिट हो जाता है। यहां पर अगर आप लोग कार को देखोगे तो कार का जो फ्रंट का पूरा हिस्सा है वो काफी बुरी तरीके से डैमेज हो गया है, और जितने भी आसपास के लोग रहते हैं भाई वो पुलिस को फटाफट से कॉल कर देते हैं। बाद में वहां पर पुलिस पहुंचती है और जो महिला रहती है उसको जो है वो अरेस्ट कर लेती है। यहां पर जो सारा का सारा एक्सीडेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ हाई स्पीड में गाड़ी चलाने की वजह से ये पूरा का पूरा हादसा जो है वो हो जाता है। बढ़ते अपने नेक्स्ट एक्सीडेंट की तरफ जो कि है नंबर टू एक्सीडेंट। ये एक्सीडेंट होता है न्यूयॉर्क में, जहां पर दो गाड़ियां जो कि एक एम्बुलेंस से जाकर के काफी बुरी तरीके से हिट हो जाती हैं। ये पूरा एक्सीडेंट होता है 2 अप्रैल 2021 में। यहां पर होता क्या है, दो गाड़ियां जो कि नॉर्मली अपने रास्ते में जा रही थी, एक एम्बुलेंस जो कि अपने पेशेंट को लेकर के भाई हाई स्पीड में कहीं जा रहा होता है। आप सभी को मालूम होगा कि भाई एम्बुलेंस जो है वो रेड लाइट पे नहीं रुकती, बिकॉज एमरजेंसी केसेस रहते हैं। जैसे ही वो रेड लाइट को क्रॉस करती है भाई सामने से जो गाड़ी आ रही होती है, जो यहां पर एम्बुलेंस ड्राइवर रहता है भाई, वो गाड़ी जो है वो अनकंट्रोल कर देता है बिकॉज वो स्पीड में रहती है और जाकर के सीधा कोलाइड कर जाती है दोनों ही गाड़ियों में। इसमें से एक जो ड्राइवर रहता है वो काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है इस पूरे के पूरे एक्सीडेंट में, और बाकी जो दोनों बंदे बैठे रहते हैं गाड़ियों में बाकी डिफेंडर में वो बिल्कुल ही सेफ रहते हैं, उन्हें कोई भी इंजरीज जो है वो नहीं आती। हाँ यहाँ पर अगर आप गाड़ी को जरूर देखोगे तो गाड़ी के अंदर आप लोगों को डैमेजेस जो है वो डेफिनेटली देखने को मिल रहे होंगे, जो कि अच्छा खासा यहाँ पर डैमेज जो है इस गाड़ी के अंदर आ गया है। बढ़ते अपने नंबर थ्री एक्सीडेंट की तरफ जो कि इंडिया के अंदर ही होता है। बेसिकली ये एक्सीडेंट जो है ये पूरा का पूरा राजस्थान में एक्सीडेंट होता है, जहां पर एक डिफेंडर जो कि हाई स्पीड में जाकर के एक ट्रक से जो है वो हिट हो जाती है बैक साइड से। अब यहां पर भाई मे भी शायद ऐसा हो सकता है जो डिफेंडर वाला ड्राइवर रहता है उसका ध्यान ना रहा हो, या हाई स्पीड में जो गाड़ी है वो अनकंट्रोल हो गई हो, या फिर सामने वाले बंदे ने ब्रेक ले ली हो, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा हादसा जो है वो हो गया है। यहां पर अगर आप लोग देखोगे तो भाई गाड़ी का जो पूरा का पूरा बोनट वाला एरिया है, फ्रंट वाला एरिया है, वो काफी बुरी तरीके से डैमेज हो चुका है। हर चीज जो है यहां पर डैमेज हो गई है, जो कि देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रही है। खैर अगर मैं बात करूं इन पैसेंजर्स के बारे में तो आप सभी को मालूम होगा कि भाई इतने पैसे अगर आप इस गाड़ी पे खर्च करते हो तो डेफिनेटली उस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी थी आपको बहुत ही ज्यादा जबरदस्त देखने को मिलती है। यहां पर डिफेंडर में बैठे जितने भी लोग रहते हैं वो बिल्कुल ही सेफ रहते हैं, उन्हें कोई भी इंजरीज जो है वो डेफिनेटली नहीं आती। बाकी गाड़ी का जो है वो डेफिनेटली यहां पर हाल जो है वो बुरा हो गया है। अगर इसी की जगह कोई और गाड़ी रहती तो भाई डेफिनेटली कहीं ना कहीं अगर ट्रक के अंदर घुसती तो काफी ज्यादा डैमेज आने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट नंबर 4 27 सितंबर 2023 में ये पूरा का पूरा एक्सीडेंट होता है, जहां पर एक हाई स्पीड डिफेंडर जो कि एक कर्व पे भाई कंट्रोल नहीं कर पाता, जिसका ड्राइवर रहता है, और सीधा जाकर के एक फ्लाईओवर के पिलर के अंदर जाकर के गाड़ी को पूरी तरीके से दे मारता है। यहां पर अगर आप देखोगे तो लेफ्ट साइड से गाड़ी पूरी तरीके से ऑलमोस्ट डैमेज हो गई है। खैर यहां पर एयरबैग जो है वो टाइमली ओपन हो जाते हैं, बट लेफ्ट साइड से अगर आप इस गाड़ी के डैमेज को देखोगे, बंपर, हुड, फेंडर, मतलब ऑलमोस्ट सारी चीजें जो है वो काफी बुरी तरीके से डैमेज जो है यहां पर हो गई है। इस एक्सीडेंट के अंदर जो ड्राइवर रहता है उसको माइनर सी इंजरीज आ जाती है हेड के अंदर, बट यहां पर टाइमली जो है एयरबैग्स खुल जाने की वजह से उस बंदे की जान जो है वो डेफिनेटली यहां पर बच जाती है। तो आप सभी को क्या लगता है कि भाई डिफेंडर कैसी गाड़ी है कैसी नहीं, आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। और आज के टाइम में तो भाई यूट्यूब पे अलग ही क्रेज चल रहा है डिफेंडर को लेकर के, भाई डिफेंडर अलग ही लेवल का आप लोगों को सेटिस्फेक्शन देती है। और अगर आप लोगों को डिफेंडर की जगह कोई और गाड़ी लेनी हो ऑफ रोडिंग करने के लिए, आप कौन सी गाड़ी को लेना पसंद करोगे आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट नंबर 5 रोम में ये एक्सीडेंट होता है 17 अप्रैल 2023 में। बेसिकली एक इटली का जो फुटबॉल प्लेयर रहता है वो कहीं रास्ते में अपनी गाड़ी को लेकर के जा रहा होता है, अनफॉर्चुनेटली एक ट्रैम में जाकर के उसकी गाड़ी जो है वो टकरा जाती है। अब भाई यहां पर मे बी ऐसा हो सकता है कि ये स्पीड में चला रहा हो और सामने से ट्रैम जो है वो आ गई हो और
ट्रैम को भी इतना टाइम ना मिला हो रुकने का और डिफेंडर जो है वो जाकर के कोलाइड कर गई हो। इस एक्सीडेंट के अंदर जो सॉकर प्लेयर रहता है भाई उसको थोड़ी बहुत इंजरीज आ जाती है, बाद में उसे फटाफट से हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है जहां पर उसकी पूरी की पूरी ट्रीटमेंट करके उसको सही कर दिया जाता है। बाकी यहां पर अगर मैं कार के बारे में बात करूं तो कार में भाई अच्छा खासा डैमेज आ गया है, और अगर आप लोग ये वाली डिफेंडर देखोगे तो ये शायद 130 वाला जो वेरिएंट आता है वो वाली डिफेंडर रहने वाली है जो लंबी सी आती है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो भाई गाड़ी जो है वो काफी बुरी तरीके से डैमेज जो है वो हो चुकी है। बढ़ते अपने नेक्स्ट एक्सीडेंट की तरफ जो कि है नंबर 6। ये एक्सीडेंट भी जो है वो इंडिया का है जहां पर एक ट्रक और एक डिफेंडर के बीच में ये पूरा का पूरा एक्सीडेंट हो जाता है। अब एग्जैक्टली नहीं मालूम भाई किस वजह से ये पूरा का पूरा एक्सीडेंट होता है, बट यहां पर अगर आप लोग कार को देखोगे तो आप लोगों को देखने में साफ समझ में आ रहा होगा कार जो है वो एक ट्रक को जो है वो बैक साइड से हिट कर देती है। जो ट्रक ड्राइवर रहता है मे बी शायद वो अचानक से पैनिक ब्रेकिंग जो है वो कर देता है बीच रोड पे, या फिर हो सकता है कोई जानवर उसके सामने आ गया हो जिसकी वजह से जो पीछे वाला डिफेंडर वाला बंदा रहता है उसको उतना टाइम नहीं मिल पाता, वो गाड़ी रोकने की तो पूरी कोशिश करता है बट एट द एंड जो कार है वो जाकर के ट्रक से हिट हो ही जाती है। खैर गाड़ी के अंदर बैठे जितने भी पैसेंजर रहते हैं वो बिल्कुल ही सेफ रहते हैं, उन्हें बिल्कुल भी इंजरीज नहीं आती, वो लोग जो रहते हैं वो बिल्कुल ही सेफ साइड रहते हैं। तो यहाँ पर डिफेंडर में थोड़ा बहुत डैमेज आ गया होगा, अब इसको पूरा का पूरा सही कराने में कितना खर्चा आएगा भाई आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कि कितना खर्चा जो है इस बंदे का आया होगा। नेक्स्ट नंबर 7 ऑस्ट्रेलिया का ये एक्सीडेंट है जहां पर $1 million का पूरा नुकसान हो जाता है। यहां पर होता क्या है, एक सेमी ट्रक जो कि पूरी की पूरी गाड़ियों को लाद करके बिल्कुल ही ब्रांड न्यू गाड़ियों को जो है वो लाद करके ले करके जा रहा होता है, बट मॉर्निंग के टाइम में भाई वो किसी वजह से अनकंट्रोल हो जाता है और काफी बुरी तरीके से रोल ओवर हो जाता है। इस एक्सीडेंट के अंदर भाई जो ट्रक रहता है उसके ऊपर भाई लैंड रोवर की डिफेंडर भी पूरी तरीके से लोड रहती है, वो भी काफी बुरी तरीके से पलट जाती है। यहां पर अगर आप देखोगे तो भाई इसको ना बाद में रिकवर करके लेके जाया जाता है और काफी बुरी तरीके से जो है वो डैमेज हो गई होगी। मे बी शायद ऐसा हो सकता है कि किसी बंदे की डिलीवरी पे ये गाड़ी जा रही हो या मतलब शोरूम पे पहुंच रही हो, उसको तो काफी ज्यादा बुरा लगा होगा। बाकी यहां पर आप लोग और भी गाड़ियां देख सकते हो, लाइक रेंज रोवर भी है और भी कुछ गाड़ियां हैं जो कि हादसे का शिकार जो है वो हो चुकी है। नेक्स्ट नंबर 8 मेरठ का ये एक्सीडेंट है जहां पर एक एक्स इंडियन क्रिकेटर प्लेयर जो कि अपनी फैमिली के साथ कहीं जा रहे होते हैं और उनका पूरा का पूरा ये हादसा हो जाता है। पांडव नगर के पास में एक हाई स्पीड ट्रक जो कि सडनली जो है वो गाड़ी के सामने आ जाता है और गाड़ी जो है उससे जाकर के टकरा जाती है। यहां पर अगर आप लोग कार को देखोगे तो कार का जो हेडलाइट है वो काफी बुरी तरीके से डैमेज हो गई है और फेंडर को अगर आप लोग देखोगे तो वो भी काफी बुरी तरीके से डैमेज हो गया है। खैर इस गाड़ी के अंदर बैठे जितने भी लोग रहते हैं बिल्कुल ही सेफ रहते हैं, बाद में जो ये पूरा का पूरा फेंडर का ड्राइवर रहता है भाई वो ट्रक ड्राइवर पे केस कर देता है, बाद में जो पुलिस है भाई उस ट्रक ड्राइवर को अरेस्ट कर लेती है। यहां पर अगर आप कार को देखोगे तो फेंडर हेडलाइट में थोड़ा बहुत डैमेज जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। मैं ऐसा नहीं कहता कि भाई हर ट्रक ड्राइवर गलत तरीके से गाड़ी चलाता है, बट मोस्टली ऑफ द टाइम काफी लोग ऐसे हैं जो कि ट्रक को बहुत ही बुरी तरीके से चलाते हैं, बिना पीछे देखे एकदम से लेन चेंज कर देते हैं, हाई स्पीड लेन में चलाते हैं। तो भाई मेरी गुजारिश आप लोगों से जरूर यही रहेगी कि अगर आप भी एक ट्रक ड्राइवर हैं तो भाई थोड़ा सा सेफ चलाओ, खुद को भी सेफ रखो और दूसरों को भी सेफ रखो, बिकॉज आप लोगों को तो ट्रक पूरा लोहे का बना है, अगर कोई पीछे से हिट भी करेगा आपकी तो जान बच जाएगी बट जो पीछे वाला बंदा उसकी जान जो है वो डेफिनेटली नहीं बचने वाली। तो हमेशा सेफ राइड करो, और कार वालों को भी यही कहना चाहूंगा कि भाई अपनी लिमिट में चलाओ, स्पीड लिमिट में जो है गाड़ी को चलाओगे तो ज्यादा बेटर रहने वाला है आप लोगों के लिए। तो आप लोग भी अगर स्पीड लिमिट में चलाओगे तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया रहेगा। नेक्स्ट नंबर 9 ट्रक बस और कार का ये पूरा का पूरा एक्सीडेंट होता है जो कि 15 सितंबर 2021 में होता है। साउथ अफ्रीका में ये पूरा का पूरा एक्सीडेंट हो जाता है जो कि काफी ज्यादा हॉरिफिक एक्सीडेंट रहने वाला है। 3 गाड़ियां और एक बस और एक ट्रक के बीच में ये पूरा का पूरा एक्सीडेंट होता है। अनफॉर्चुनेटली इस एक्सीडेंट के अंदर 4 लोगों की जो है वो काफी बुरी तरीके से डेथ हो जाती है। इस एक्सीडेंट के अंदर एक डिफेंडर जो रहती है वो भी शामिल रहती है। भाई यहां पर अगर आप डिफेंडर को देखोगे तो फ्रंट से थोड़ी बहुत डैमेज जो है वो डेफिनेटली हो गई है। ये 90 वेरिएंट वाला जो आप लोगों की डिफेंडर आती है भाई वो रहने वाली है। खैर इस एक्सीडेंट के अंदर जो डिफेंडर में बंदा बैठा रहता है वो तो बिल्कुल सेफ रहता है, उसको कुछ भी नहीं होता। नेक्स्ट और लास्ट नंबर 10 लंदन का ये एक्सीडेंट है जहां पर एक महिला जो कि कार को काफी ज्यादा हाई स्पीड में चला रही होती है और अनकंट्रोल होकर के एक स्कूल के ग्राउंड के अंदर घुस जाती है। टेनिस का एक मैच जो है वो चल रहा होता है और लगभग ये गाड़ी जो है जाकर के काफी लोगों को हिट कर देती है, जिसमें से 16 लोग जो है वो काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं और एक बच्ची रहती है जिसकी डेथ हो जाती है इस पूरे के पूरे एक्सीडेंट में। बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और इस महिला को पकड़ लेती है। तो यही था आज का वीडियो, आई होप आप लोगों को वीडियो देख करके काफी चीजें समझने को मिली होंगी। भाई एज अगर आप एक ट्रक ड्राइवर हो, बाइक राइडर हो या कार ड्राइवर हो, हमेशा भाई इंडियन रोड्स पे सेफ चलो। बाहर के रोड्स तो फिर भी बहुत हद तक एक बार को अच्छे हैं, पुलिस जल्दी आ जाती है, बहुत सारी चीजें हैं, और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे ऐसा लगता है कि भाई धीरे धीरे करके इंडिया के अंदर भी जो है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज करना चाहिए। बिकॉज पुलिस वाले भी क्या है, कहीं एक्सीडेंट होता है तो इस थाने का नहीं है, दूसरे थाने का है। भाई एट द मोमेंट कोई भी पुलिस वाला खड़ा हो भाई वो उसको हेल्प जो है वो डेफिनेटली करनी चाहिए। बाद की चीजें बाद में देखेंगे कि किसने एक्सीडेंट किया, कब एक्सीडेंट किया, फटाफट से उस बंदे को हॉस्पिटल पहुंचाना और बहुत सारी चीजें। और आप लोग भी एम्बुलेंस को जो है वो जगह जरूर दे दिया करो। बाकी मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।